प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे तो एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान ही चीन को भी साफ संदेश पहुंच गया। मॉस्को पहुंचने पर रूस के पीएम मोदी को जिस तरह से खास तवज्जो दी है उससे शी जिनपिंग का चिढ़ना तय है। पीएम मोदी जब मॉस्को पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव खुद मौजूद थे। इससे पहले रूस की यात्रा करने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐसा स्वागत नहीं मिला था। उस दौरान रूस ने मांटुरोव से निचले पद के अधिकारी ने जिनपिंग का स्वागत किया था। पीएम मोदी का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने के बाद प्रथम उप प्रधानमंत्री मांटुरोव उन्हें कार से लेकर होटल तक छोड़ने गए। ये प्रोटोकॉल इस बात का एक मजबूत संकेत देता है कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। यह स्वागत चीनी राष्ट्रपति की पिछली यात्रा के विपरीत है जहां निचले स्तर के उप प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग का स्वागत किया था। फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी पहली बार रूस के दौरे पर पहुंचे हैं। शीत युद्ध के दौर से ही भारत और सोवियत संघ के संबंध मजबूत रहे हैं जो बाद में रूसी संघ बनने के बाद भी जारी है। रूस कभी भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता था। हालांकि यूक्रेन संघर्ष ने रूस के सैन्य संसाधनों को कम कर दिया है जिससे हाल के वर्षों में भारत को रूसी हथियारों के निर्यात में गिरावट आई है। साथ ही भारत रियायती रूसी तेल का एक प्रमुख खरीदार बनकर उभरा है जो मॉस्को के लिए बहुत जरूरी राजस्व प्रदान करता है। इसने ऊर्जा साझेदारी को एक नया रूप दिया है जिसमें भारत ने अरबों की बचत की है जबकि रूस ने युद्ध कोष को मजबूत किया है। तीसरी बार कार्यकाल संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की पहली द्विपक्षीय यात्रा है जो 2019 के बाद से उनकी पहली यात्रा भी है। ऐसे समय पर जब भारत मॉस्को के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को पश्चिमी शक्तियों के साथ बढ़ते सुरक्षा सहयोग के साथ संतुलित करना चाहता है, रूस के द्वारा उच्च स्तरीय स्वागत वैश्विक परिदृश्य में परिवर्तन के बावजूद एक साझेदार के रूप में भारत की निरंतर महत्ता को रेखांकित करता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।